तरह से हम लोग मास हाउस कुकिंग करते हैं उस शेड्यूल को कंटिन्यू रखेंगे और मास हाउस कुकिंग करेंगे अपने जॉब एरिया में। जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ आपको मास हाउस कुकिंग करना है, जो भी आपका जॉब लोकेशन है। जितना हम लोग डेली हाउस कुकिंग करके जो छोटा छोटा मटेरियल हम मार्केट निकाल के रखते हैं उसको आज वहाँ से हटा करके स्क्रैप यार्ड में डाल देना है, ठीक है। दूसरा चीज़ है, आज से कुछ दिन पहले बात हुआ था एक्सीडेंट के बारे में, जो आप लोग को बताए थे कि लाइफ लाइन में दो कलेंट लगे कलेंट लगा हुआ था और लाइफ लाइन टूट गया, याद है आप लोगों को, सुन रहे हुए याद है। दूसरा एक रिसेंट एक्सीडेंट उसी टाइप का आया, सेम उसी टाइप का एक्सीडेंट आया है, सेफ्टी बेल्ट पहने हुए हैं लेकिन हुकिंग नहीं की। जैसे आप लोग को पहले भी बताए थे कि अगर हम सेफ्टी बेल्ट पहन लेते हैं उससे हमारा सुरक्षा हो नहीं जाता है, जब तक उसका उपयोग नहीं करेंगे इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हमको सुरक्षा नहीं मिलने वाला है। तो हमको जहाँ तक हो सके कोशिश करना है, जहाँ व्यवस्था नहीं है पहले वहाँ पे व्यवस्था हमको बनाना है, हम कैसे सेफ्टी बेल्ट को हुकिंग कर सकते हैं। नहीं लगने वाला है वहाँ पे सजेशन लेंगे बात करेंगे तो दूसरा कोई जुगाड़ जरूर निकल सकता है। बहुत ऐसा जगह आपको मिलेगा जहाँ पे हम लोग ओरिएंटल लाइफ लाइन नहीं लगा सकते, वहाँ पे एक वर्टिकल लाइफ लाइन खड़ा कर सकते हैं, ऊपर से नीचे एक लाइफ लाइन का रोप गिरा सकते हैं, इकाई मार के रख सकते हैं, वहाँ पे हुकिंग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई जगह नहीं होना चाहिए, अगर हम हाइट पे काम कर रहे हैं तो हर जगह पे हमको कोशिश करना है, चाहे हमारे पास दो मिनट का काम हो या दो घंटे का काम हो, हमारा बेल्ट जो है कहीं ना कहीं हुकिंग होना चाहिए। बिना हुकिंग किए हुए हमको काम नहीं करना है। जैसे आप कल का पता होगा आप लोग को रिसेंट एक्सीडेंट के बारे में, कल भी सेम उसी टाइप का घटना हुआ था। अगर हाइट पे आप काम कर रहे हैं तो सेफ्टी बेल्ट हमको हुकिंग करना मस्त है। अगर ठीक है एक्सीडेंट होने वाला है, एक्सीडेंट होगा, लेकिन अगर हमारा हुकिंग रहता वहाँ पे एक्सीडेंट होता लेकिन इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता, फटल जिसको बोलते हैं वो नहीं होता, उसको बचाया जा सकता था। लेकिन क्या था वहाँ पे कि जैसे सेफ्टी बेल्ट हुकिंग नहीं था और वो आदमी गिरा तो बीच में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मान लेते हैं कि आप सेफ्टी बेल्ट हुकिंग करते हैं तो 20 से 25 मिनट आपके पास टाइम मिलता है। अगर आपका पैर स्लिप भी होता है तो 100 कप जरूर खुलेगा, उसमें आप 20 से 25 मिनट तक सही रह सकते हैं। उतना काफ़ी समय होता है रेस्क्यू करने के लिए, बहुत ज़्यादा समय है, कहीं से भी उतना समय में रेस्क्यू किया जा सकता है। 25 मिनट का समय बहुत ज़्यादा होता है, जब तक हमारा 100 कप जरूर खुलेगा उतना देर में आपको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। तो पहले जैसे पहले आपको जहाँ भी आप काम करें, आपका 0 मीटर लोकेशन हो या हाइट पर लोकेशन हो, जॉब के बारे में प्लानिंग कीजिए। आप जॉब में हम जब काम करने जा रहे हैं तो क्या खतरा है, इसमें खतरा आपको खुद समझ में आएगा। आप जॉब पे खड़ा होकर के 5 मिनट का समय दीजिएगा सोचने के लिए, कुछ किसी से बात नहीं करना, खुद से देखिएगा तो आपको वहाँ पे खतरा समझ में आ जाएगा। और हमको ये चीज़ पता है कि खतरा अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको उससे बचने का भी जुगाड़ समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि आप लोग जुगाड़ से काम करते हैं, जुगाड़ आपको पता चल जाएगा कि अगर हम काम कर रहे हैं तो इसमें ये खतरा है तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, ये चीज़ आप लोग खुद ढूंढ लेंगे। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि काम करने जाते हैं जल्दी जल्दी में गए काम शुरू कर दिए, टंडम काम शुरू कर दिए, नहीं काम के बारे में समझते हैं अच्छे तरीका से, नहीं उसमें खतरा क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो ये चीज़ हमको 100% इंश्योर करना है कि जहाँ भी हम काम करें काम के बारे में पूरा जानकारी दीजिए। आपके जॉब पर सुपरवाइजर रहते हैं, इंजीनियर रहते हैं, पूरा अच्छे तरीका से जानकारी लीजिए कि काम में हम करने जा रहे हैं तो क्या हम TNP यूज कर रहे हैं, TNP सही है कि नहीं। हो सकता है कि TNP जो आप यूज कर रहे हो कटा फटा हो, टूटा हुआ हो, तो उसको भी एक बार चेक करना है। अगर TNP सही रहेगा तभी जा करके हम लोग काम सही से कर सकते हैं। उसके बाद उस काम में आपको देखना है कि क्या खतरा है, कौन सा खतरा है जिससे हमारी जान जा सकती है, हमको चोट लग सकता है, और वो खतरा है तो फिर उससे हम कैसे बच सकते हैं, ये भी वहाँ पे आप 5 मिनट के समय में ही ये सारा चीज़ आप प्लानिंग कर सकते हैं। और जब ये प्लानिंग कर लीजिएगा तो ना ही कोई खतरा होगा, ना ही आपको चोट लगेगा, और काम भी सेफली तरीका से हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। एक छोटा सा प्लानिंग करने से हमें बहुत सारा फायदा मिलता है, इसलिए आप लोग जहाँ भी काम कर रहे हैं इस काम को इंश्योर करेंगे कि जॉब शुरू करने से पहले जॉब के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी लीजिए, ठीक है, उसके बाद ही जॉब शुरू कीजिएगा। आगे आज जो हमारा मास हाउसकीपिंग है उसको कंटिन्यू रखेंगे, और जहाँ भी आप काम करें मास हाउसकीपिंग जरूर करेंगे।